कफ सिरप, दवा या जहर? खांसी के दवा में जहर घुला, खांसी की दवाई जरा संभल कर भाई, कफ सिरप में केमिकल लोचा, सिरप स्वाद और जिंदगी स्वाहा। 66 बच्चों की मौतों के बाद अब उज्बेकिस्तान ने अपने यहाँ बच्चों की मृत्यु के लिए एक भारतीय दवा कंपनी को जिम्मेदार ठहराया है। दरअसल उज्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने आरोप लगाया कि देश में 18 बच्चों की मौत एक भारतीय दवा कंपनी द्वारा निर्मित दवाओं के सेवन से हुई। अपने बयान में मंत्रालय ने कहा कि मैरियन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड को 2022 में उज्बेकिस्तान में रजिस्टर्ड किया गया था। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के सूत्रों ने खुलासा किया कि इस कंपनी द्वारा निर्मित डॉक वन मैक्स सिरप वर्तमान में भारतीय बाजार में नहीं बेचा जा रहा है। बता दें कि अक्टूबर में गाम्बिया ने आरोप लगाया था कि भारत में निर्मित सिरप से उनके यहाँ 66 बच्चों की मौत हो गई। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हुई कि भारतीय कफ सिरप की वजह से बच्चों की मौत हुई है। WHO जांच में उज्बेकिस्तान सरकार का सहयोग करेगा। भारत ने उज्बेक सरकार के आरोपों की जांच का फैसला किया है। नेपाल ने भी 16 भारतीय दवा कंपनियों से दवा के आयात पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। अफ्रीकी देशों में खांसी के सिरप से बच्चों की मौत के बाद WHO ने इससे जुड़े दवाइयों को लेकर चेतावनी जारी की थी। WHO के अलर्ट के बाद नेपाल ने 16 भारतीय कंपनियों से दवाई के इम्पोर्ट को बैन कर दिया। नेपाल दवा नियामक प्राधिकरण द्वारा जारी सूची में भारत की कई बड़ी दवा कंपनियां शामिल हैं। नेपाल के ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग की लिस्ट में दिव्य फार्मेसी सहित 16 भारतीय दवा कंपनियां शामिल हैं। दिव्य फार्मेसी योग गुरु रामदेव के पतंजलि प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती है। आइए जानते हैं प्रतिबंधित भारतीय दवा कंपनियों की लिस्ट में कौन कौन सी कंपनियां शामिल है। प्रतिबंधित भारतीय दवा कंपनियों की लिस्ट: मर्करी लेबोरेटरीज लिमिटेड, अलायंस बायोटेक, कैप्टा बायोटेक, एग्लोमेड लिमिटेड, जी लेबोरेटरीज लिमिटेड, डेफोडिल्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, GLS फार्मा लिमिटेड, यूनिजूल्स लाइफ साइंस लिमिटेड, कॉन्सेप्ट फार्मास्यूटिकल्स, आनंद लाइफ साइंसेस लिमिटेड, IPCS लेबोरेटरीज लिमिटेड, कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड, डायल फार्मास्यूटिकल्स, एग्लोमेड लिमिटेड, मैकूर लेबोरेटरीज लिमिटेड। आइए जानते हैं उज्बेकिस्तान ने बच्चों की मौत की वजह क्या बताई है। उज्बेकिस्तान में बच्चों की मौत की वजह: उज्बेकिस्तान सरकार ने कहा कि कफ सिरप DOK-1 Max में एथिलीन ग्लाइकोल है। ये एक जहरीला पदार्थ है। इसके इस्तेमाल से उल्टी, बेहोशी, ऐंठन, किडनी फेलियर और दिल से जुड़ी समस्या हो सकती है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या एथिलीन ग्लाइकोल जानलेवा साबित हो सकता है? क्या एथिलीन ग्लाइकोल हो सकता है जानलेवा? WHO के मुताबिक एथिलीन ग्लाइकोल कार्बन कंपाउंड है। इसमें ना खुशबू होती है और ना ही कलर। ये मीठा होता है। बच्चों के सिरप में सिर्फ इसलिए मिलाया जाता है ताकि वो आसानी से पी सके। इसकी मात्रा के असंतुलन से ये जानलेवा हो सकता है। कई देशों में प्रतिबंधित है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय देशों में डिथिलाइन ग्लाइकोल और एथिलाइन ग्लाइकोल का इस्तेमाल बैन है। सिरप में इनकी ज्यादा मात्रा जानलेवा हो जाती है। वहीं उज्बेकिस्तान में कफ सिरप से 18 बच्चों की मौत के मामले को लेकर भारत में राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसा था, जिसके बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इसका पलटवार करते हुए कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि गाम्बिया में बच्चों की मौत का भारत में बनी खांसी की दवाई के सेवन से कोई लेना देना नहीं। अमित मालवीय ने कहा कि ये गाम्बिया के अधिकारियों और DCGI दोनों की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि भारत कफ सिरप का इसके पीछे कोई हाथ नहीं। इसके बाद भी पीएम मोदी के लिए अपनी नफरत में अंधी कांग्रेस भारत के एंटरप्रेन्योरशिप का उपहास कर रही है। उन्होंने इसे शर्मनाक बताया है। दरअसल जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा था कि मेड इन इंडिया कफ सिरप जानलेवा लगता है। पहले गाम्बिया में 70 बच्चों की मौत हुई और अब उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत। मोदी सरकार को भारत के बारे में शेखी मारना बंद करना चाहिए और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।